वेलकम बैक टू इंशा मॉम्स ब्लॉग्स। जी तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। अच्छा जी, आज मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रो बना लेती हूँ कि आप क्या याद करेंगे कि हमें आज अपनी यूट्यूबर का फेस भी देखने को मिला। जी तो बस कभी कभी बहुत अच्छा लगता है आपके सामने इस तरह से आना। जी तो आज मैं ना क्या शेयर करने जा रही हूँ, गैस। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा हर वीक की तरह कुछ डिफरेंट शेयर करूँ। तो आज मैंने सोचा आज आपसे व्लॉग नहीं शेयर करूँगी, आज आपसे मैं बड़ी मज़े की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। वो है जी माय मेकअप ट्यूटोरियल, मीन पार्टी मेकअप ट्यूटोरियल फुल डिटेल के साथ। जी तो मेरा एनिवर्सरी मेकअप बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो सबने कहा भी था कि मैं दिखाऊं या किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने अपना एनिवर्सरी जो मेकअप किया था, अपनी लुक क्रिएट की थी, वो कैसे की थी वो जानती हूँ डिटेल के साथ आप लोगों के लिए। और वैसे भी मैंने ये एक्सपीरियंस हो जाएगा जो गर्ल्स हैं जो स्पेशली मेकअप ट्यूटोरियल पे बनाती हैं वीडियोस, वो कैसे बनाती हैं, मीन ये भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेते हैं। वैसे भी मैंने सोचा कि मेरी सिस्टर जी अमेरिका में रहती हैं अभी, और वो मेकअप ट्यूटोरियल बहुत मज़े के करती हैं, तो मैंने कहा चले जी मैं भी एक्सपीरियंस करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि कैसे शेयर किया जाता है, ये कैसे उसको दोनों। तो मेरी सिस्टर का अकाउंट है ना, वो है जी ब्यूटी ग्लैमअप एंड सोमी डॉट जाना। अगर ब्यूटी ग्लैमअप हो उसके साथ सोमी डॉट जाना मेंशन कर दिए जाना, तो वो बहुत इजीली मिल जाता है, और उसको आप जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, उसको सपोर्ट करें, और इसके साथ ही उसके व्लॉग भी देखें, क्योंकि वो अमेरिका की लाइफ भी दिखाती है। तो मैंने कहा चलिए आज स्पेशली आपको कह दूँ, इसके साथ ही चले देर नहीं करते और एक्सपीरियंस करते हैं स्टार्ट कि कैसे होता और वो कैसे करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती है। तो मैं उसे कहती हूँ तुम तो कैसे करती हो यार, मैंने कहा चले फिर मैं भी कर लेती हूँ, ट्राई करती हूँ आप लोगों के साथ मैं कैसे शेयर करती हूँ। चले फिर ओके जी। ये तो करने जा रही हूँ अपनी मेकअप लुक क्रिएशन स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी आईज़ को थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज। जी तो यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये है जी प्राइमर। प्राइमर फर्स्ट फेस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब ही मेकअप बहुत ही नाइस एंड सॉफ्ट सा होता है। ये ऑयली लिक्विडी सा है और इसके जस्ट 2-3 ड्रॉप्स ही यूज़ करने हैं, इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी इसको मैं फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये तो ये अप्लाई हो चुका है, तो अभी मैं आई प्राइमर यूज़ करूँगी। ये यूज़ कर रही हूँ मार्ट प्राइमर का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आईज़ पे यूज़ करना, तभी हमारा जो आई शेडो है आई मेकअप है अच्छा। यहाँ पे मैं आईज़ के लिए यूज़ करने जा रही हूँ आई बेस के लिए ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और जो बहुत ही बेस्ट है, और ये है कि आईज़ पे भी इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी, और इसके बाद फेस पे जो कोई स्कार है या कोई मार्क्स हैं उनको कवर करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। जब फेस का कुछ एरिया थोड़ा सा ब्लैक होता है या ब्राउन होता है तो उसको कवर करने के लिए, तो इस तरह से मैं इसको भी अप्लाई कर लूँगी। जी तो अभी मैं आई ब्रश के साथ आई बेस को अच्छे से उसको टैप टैप करके उसको इक्वल कर लूँगी, उसको आई मेकअप के लिए रेडी कर लूँगी। जी तो इसके साथ ही मैं एक मज़े की मैजिक थिंग आपको बताने जा रही हूँ जी, स्क्वॉच टेप। इसको मैंने क्या करना है, इसको आईज़ क्लोज करने के लिए नहीं लगाना है, इसको मैंने जी आई मेकअप को नाइस बनाने के लिए आईज़ के कॉर्नर पे, एंड ऑफ द कॉर्नर पे अप्लाई करना है। जी इस तरह से मैं दोनों आईज़ के एंड ऑफ कॉर्नर पे स्क्वॉच टेप को यूज़ कर लूँगी, जितना हमने आई मेकअप करना है उस हिसाब से। यहाँ पर करते हैं आई मेकअप स्टार्ट। तो आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का पैलेट। तो यहाँ से मैं आईज़ को क्रीज करने के लिए ब्राउन शेड यूज़ करूँगी, ब्राउन शेड आई ब्रश के साथ इसको आईज़ पे अच्छे से क्रीज करूँगी, क्योंकि ये कलर बहुत ही
नेचुरल है और इसको तो पहले आई पे ज़रूर ही अप्लाई करना चाहिए। आई थिंक इसके बाद ही बाकी आई शेडो यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं और इसके साथ ही इसी में से यूज़ कर रही हूँ ये वाला कलर, और ये भी बहुत मज़े का है। और ये अप्लाई करूँगी इसको, इसको इन कॉर्नर पे नहीं लेके जाना है, इसको जस्ट मिडल एंड मिडल से एंड ऑफ द कॉर्नर पे लेके आना है। और इस तरह से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ पे अब टर्न है जी आईलाइनर अप्लाई करने की। तो आईलाइनर मैं यूज़ करने जा रही हूँ प्राइमार्क का, तो ये यूज़ करने जा रही हूँ। तो आईलाइनर लगा लेती हैं जी। इसके लिए मिरर में देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या मोबाइल में थोड़ा सा डिफरेंट लगता है और जो मिरर का अब देखना वो डिफरेंट है जी। तो लाइनर अप्लाई मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं अपनी स्क्वायर टेप को कर लूँगी रिमूव, और ये बहुत बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इससे हमारा लाइनर बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। जी तो यहाँ पर अब बारी है जी मस्कारा यूज़ करने की। तो मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं, जिसकी आईलैशेस अच्छी हैं उस पर मस्कारा भी बहुत ही अच्छा से लगता है। तो इसका ब्रश कुछ इस तरह से दिखता है, इस तरह से कुछ दिखता है ये ब्रश, और ये वैसे आईलैशेस को बहुत नाइस अलॉन्ग बनाता है जी। तो अभी टर्न है जी, यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ हाइलाइटर, और ये बहुत ही मज़े का है, और ये सिल्क वालों का है, ये सिल्क का है, और ये बहुत ही अच्छा है। और इसको मैं कैसे अप्लाई करती हूँ ये भी आपको दिखाती हूँ। इसको जस्ट 2-3 ड्रॉप्स लगाने की ज़रूरत है और पूरा फेस हमारा रेडी हो जाता है। तो इसको फार हट के मिडल पे, चीक्स पे, नोज़ पे एंड लिप्स के ऊपर एंड चिन पे इस तरह से मैंने ब्रश के साथ इसको हाइलाइट से अप्लाई कर लूँगी। तो इसके साथ बहुत नाइस सा ग्लो आ जाता है। इसको अभी मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दी है, और अभी मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन। तो फाउंडेशन बेस के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ लॉरियल वालों का और मिलाने का, सॉरी मैंने नंबर्स दिखाने मुझे याद नहीं रहे। और इसके जस्ट 2-3 पम्प मैं लॉरियल के लूँगी और 2-3 पम्प ही मिलाने के। तो मिलाने का भी बहुत अच्छा है, इन दोनों शेड्स में लिटल सा डिफरेंस है। तो मैं क्या करती होती हूँ, जब स्पेशल सा मेकअप करती हूँ टाइम अच्छा खासा लगा के जो प्रॉपर करती हूँ, तो मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ। तो बस बेस ब्रश के साथ इसको फेस पे मैं रफ सा लाइट सा अप्लाई करूँगी। और जी यहाँ पर बेस बनाने के लिए मैं ब्रश भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से लव है, मीन क्रेज़ है। तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसको पूरी बेस को, पूरी फाउंडेशन को अप्लाई कर लूँगी अच्छे से पूरे फेस पे। और इसको लाइट सा मैंने वेट कर लिया था, ड्राई से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वेट से बहुत ही मज़े का होता है, पता भी नहीं चलता है कि हमने कुछ अप्लाई किया भी है कि नहीं। तो टैप टैप करके इसको टैप टैप करके अप्लाई करना है, उसको जस्ट रगड़ना नहीं है मीन जी। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूंगी, तो उतनी देर में मैं बना लेती हूँ अपनी आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए पहले की तरह मैं एलिफ वालों का यूज़ कर रही हूँ, और ये शेड बिल्कुल ब्लैक नहीं है और हमें लाइट सा ब्राउनी सा शेड है, और ये बहुत ही मज़े का लगता है, इससे आईब्रोज बहुत अच्छे से फिलिंग होती हैं। तो इसको अच्छे से फिल कर लेती हूँ, फिर इसको ब्रश के साथ अच्छे से इसको ब्रश कर लूँगी ताकि नाइस सी शेप आ जाए। तो आईब्रोज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अभी बारी है जी कंसीलर की। कंसीलर में कौन सा यूज़ करने जा रही हूँ, ट्रू मार्च का मेरा ये कंसीलर है, और ये भी बहुत बेस्ट है लिक्विडी में। तो इसको मैं आईज़ के नीचे अंडर आईज़ यूज़ करूँगी, आईज़ के नीचे थोड़ा सा नोज़ की साइड पे, ये बहुत ही बेस्ट है। इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है, और इसी को हम वैसे पूरे मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको नोज़ पे थोड़ा सा अप्लाई करूँगी ऊपर वाले साइड पे, और थोड़ा सा आईब्रोज की ऊपर एंड नीचे दोनों साइड पे यूज़ करूँगी, और इसको अच्छे से आईब्रोज ब्रश के साथ टैप टैप करके इसको नीट एंड क्लीन कर लूँगी। क्योंकि इससे ये होता है कि आईब्रोज हमारी शेप होती है हमारी आईब्रोज की वो अच्छे से वाजिया होती है, तो अच्छा लगता है। जी तो अभी मैंने आईज़ के नीचे से इसको टैप टैप करके बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और अभी जी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लूज़ पाउडर, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इसको पहले डस्ट आउट ज़रूरी है पहले करना, देन आईज़ के नीचे इस तरह से अप्लाई करना है, और पूरे फेस पे लाइट सा मैं इसको जस्ट ब्रश कर लूँगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं मेंशन करती जाऊँ कि हर चीज़ अप्लाई करने के बाद हमने उसको थोड़े सेकंड्स के लिए रेस्ट ज़रूर देनी होती है, तभी मेकअप बहुत अच्छा होता है। ये
जी तो अभी फेस को कंटूर करने की बारी है, तो कंटूरिंग के लिए मैं जो शेड यूज़ करने जा रही हूँ, जो ब्राउन से यूज़ करने जा रही हूँ वो ये है, और इसके दो शेड्स हैं, और मैं कौन सा शेड यूज़ करूँगी, दोनों ही बहुत प्यारे हैं। तो चलें जी कंटूरिंग ब्रश के साथ जी ये वाला कलर मैंने लिया है, उसको डस्ट आउट करके चीक बोन पर इस तरह से इसको अप्लाई करना है। इसी के साथ ही मैंने नोज़ की कंटूरिंग भी कर ली है, और यहाँ पे क्या करूँगी मैं लूज़ पाउडर लेके उसके साथ यहाँ पे इसको थोड़ा सा टैप टैप करूँगी ताकि उससे नाइस सी एक हमारे चीक बोन की शेप आ जाए। तो यहाँ पे इस तरह से, और इसके साथ ये डन हो चुका है। तो इसके बाद जी अब बारी है जी ब्लश ऑन की, तो ब्लश ऑन यूज़ करने जा रही हूँ क्लाज़ोना वालों का, और इसके बहुत ही मज़े के प्यारे से स्वीट से शेड्स हैं, और सारे ही दिल कर रहा है शेड यूज़ करने को। लेकिन यहाँ पे मैं शेड जो यूज़ करूँगी वो यूज़ करने जा रही हूँ पीच, ये जो पीच सा कलर है ना इसको मैं यूज़ करूँगी इस तरह से। और ब्लश ऑन के लिए हमेशा से बड़ा ब्रश ही यूज़ करते हैं, और इसको जी इस तरह से चीक बोन पे मैं यूज़ कर लूँगी लाइट सा, और आप देख सकते हैं कि एक दो दफ़ा ही यूज़ करने से इसका कितना नाइस सा ग्लो आ चुका है, बहुत ही मज़े का है मुझे। और ये पाकिस्तान का है पैलेट, और पाकिस्तान के अक्सर पैलेट ही बहुत मज़े के हैं। इसी ब्रश को मैं चिन के नीचे यूज़ कर रही हूँ नेक साइड पे, क्योंकि ये है कि जब हमारा फेस किसी का चबी होता है तो इस तरह से अप्लाई करने से हमारा फेस एक नाइस से शेप में आ जाता है। इसके बाद जी ये है, ये प्राइमार्क का पैलेट है प्योर ग्लो अप, तो इसका मैं क्या यूज़ करूँगी जी हाइलाइटर। अभी हाइलाइटर करने की बारी है, तो यहाँ पे फन ब्रश मैंने लिया है और हाइलाइटर लाइट सा, और यहाँ पे चीक बोन के जो है हमने ब्लश यूज़ किया इसके ऊपर इस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं कितना नाइस सा ग्लो आ गया है, बहुत ही प्यारा सा। तो इससे मेकअप की जो लुक होती है ना कम्प्लीट हो जाती है। और इसको थोड़ा सा मैं नोज़ के मिडल में यूज़ किया है, नोज़ के फ्रंट पे यूज़ किया है, और लिप्स के ऊपर यूज़ किया है जिससे लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे जी अब बारी है लास्ट पे आईलैशेस अप्लाई करने की, तो ये मैंने अप्लाई कर दी है। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर लाइट सा यहाँ पे आईज़ के इन कॉर्नर में भी यूज़ कर रही हूँ इस तरह से, और आईब्रोज़ के नीचे। जी यहाँ पे लास्ट थिंग मैं यूज़ करने जा रही हूँ ग्लिटर, मेरे फेवरेट, तो ये इसको मैं यूज़ करूँगी आईज़ के नीचे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। और ये ग्रीन कलर में है क्योंकि मेरा ग्रीन कलर का ड्रेस है, तो इसलिए मैंने आई शेडो डिफरेंट कलर में रखा था, अगर वो भी ग्रीन होता तो सारा सेम हो जाता तो नाइस नहीं लगता, तो इसलिए ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरी ओवरऑल लुक हो चुकी है कम्प्लीट। तो अभी अप्लाई कर लेती हूँ अपना लिप शेड। क्या है हुदा ब्यूटी का, और हमेशा मैं कहती हूँ कि लिप शेड अप्लाई करने से पहले अगर लिप मॉइस्चराइज़र और लिप बाम लगा लिया जाए तो लिप शेड बहुत ही मज़े का लगता है। इसके बाद जी ये है जी मेरी लास्ट लुक। तो बस मैंने बहुत ही मेहनत से बहुत ज़्यादा टाइम लगा के किया है आप लोगों के लिए, और ये मैंने अपने हाथों से किया है स्वीट स्वीट हैंड्स के साथ। तो बस डाउन बिलो इन कमेंट में आप लोग कमेंट करके फीडबैक देके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को फिर मेरा कैसा लगा मेकअप, और जो मैंने शेयर किया बोल बोल के वो सही था कि नहीं, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो ये मेकअप करने का तो मेरा चलता रहता है, और इसके साथ ही अगर आपको पसंद आए और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।